हे फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर को और फिर उन फैक्ट्स के बेसिस पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया और चाइना के बीच कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हावी हो सकती है। दोस्तों, मैं जो भी रिकॉर्ड्स आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस और न्यूज आर्टिकल्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी ट्रू मिलिट्री पावर कभी रिवील नहीं करती। टोटल मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो इंडिया की इंडियन आर्मी में टोटल 34 लाख सोल्जर्स हैं, जिसमें एक्टिव सोल्जर्स 14 लाख हैं एंड रिजर्व सोल्जर्स 21 लाख हैं। और वहीं चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 27 लाख टोटल सोल्जर्स हैं, जिसमें 22 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं एंड 5 लाख सोल्जर्स ही रिजर्व हैं। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो इंडिया की इंडियन एयरफोर्स में टोटल 2141 एयरक्राफ्ट हैं और वहीं चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में टोटल 3,444 एयरक्राफ्ट हैं। टोटल नेवल एसेट्स की बात करूं, जिसमें सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, तो इंडिया की इंडियन नेवी पे 285 हैं और वहीं चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी पे 780 हैं। टोटल आर्टिलरीज की बात करें, जिसमें रॉकेट आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरीज होते हैं, तो इंडिया पे 5,067 हैं और वहीं चाइना पे 9,762 हैं। टोटल टैंक्स की बात करें तो इंडिया पे 4,292 हैं और वहीं चाइना पे 3,400 हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इंडिया की आर्मी और उसके टोटल टैंक्स के अलावा चाइना की मिलिट्री पावर मोस्टली इंडिया से ज़्यादा ही है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि चाइना की वीकनेस है, वो है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। आइए अब समझते हैं इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का इंडिया को क्या एडवांटेज है चाइना के अगेंस्ट लैंड, एयर या वाटर वॉर में। इंडिया और चाइना की लैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माउंटेन पासेस एंड ब्रिजेस के थ्रू इंडिया से कनेक्टेड है। अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच वॉर होता है तो इंडियन आर्मी इतनी सक्षम तो है ही कि वो चाइनीज आर्मी का डटकर मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा भी इंडिया पे एडवांटेज है कि वो इन माउंटेन पासेस और ब्रिजेस को ब्लॉक या एक्सप्लोर कर दे, जिससे चाइना आर्मी लेके इंडिया तक ही ना आ पाए। एयर वॉरफेयर की बात करें तो चाइना के सिर्फ 7 एयरफील्ड्स ही LAC के पास हैं और वहीं इंडिया के 20 एयरफील्ड्स LAC के पास हैं, जो कि सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। चाइना के ज्यादातर एयरबेस ईस्टर्न साइड में हैं, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर से लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इसका मतलब चाइना की पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट का फ्यूल सप्लाई और मैनेज करना। चाइना की सेकंड प्रॉब्लम है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अपने इन 7 एयरबेसिस पे एकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा, जो कि लंबे समय तक इंडिया के अटैक को टैकल कर सकें। चाइना की थर्ड प्रॉब्लम यह है कि इन 7 एयरफील्ड्स पे कोई भी प्रॉपर शेल्टर्स नहीं है एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि इंडिया के लिए एक एडवांटेजियस पॉइंट है कि वह उनकी एयरफील्ड्स और एयरक्राफ्ट्स को ब्लास्ट कर सकता है। चाइना की फोर्थ प्रॉब्लम यह है कि टोटल 7 एयरफील्ड्स में से 5 टिबेट एयरफील्ड्स जो हैं वो लगभग 4,000 मीटर अबव सी लेवल पे हैं और वहीं इंडिया के कुछ एयरफील्ड्स को छोड़ दें तो वे ज़्यादातर प्लेन एरिया में हैं। इसका मतलब ये है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से एयर डेंसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेपन्स ही वहाँ ले जाए जा सकते हैं और जेट इंजन्स को भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया और चाइना की इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी जो होती है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक नैरो पैसेज है जो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। अगर इंडिया और चाइना के बीच सी वार होता है तो पहली बात, चाइना सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ नेवीज ही इंडिया की साइड भेजेगा, क्योंकि उसकी ईस्टर्न साइड में भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि चाइना के अगेंस्ट हैं, तो चाइना उनके अगेंस्ट अपनी नेवीज को नहीं हटाना चाहेगा। तो इंडियन नेवी पे एडवांटेज है कि वे चाइनीज नेवी को इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ही ना पार करने दे और उसको यहीं ब्लॉक करके उसके साथ टैकल करे। दोस्तों, ये लैंड, एयर एंड वाटर वॉरफेयर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ हद तक टैकल कर सकती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और चाइना पे अच्छी क्वांटिटी में न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, और जब बात न्यूक्लियर वॉर की आ जाए तो कितनी ही बड़ी मिलिट्री पावर हो या कितनी अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, इन दोनों चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।